पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना सर ने मध्य प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को जिले में पैदल मार्च कर जनसंवाद करने के निर्देश दिए हैं और एसीपी पुनीत गहलोत ने जिले के सभी थाना प्रभारी एसडीओपी को पैदल भ्रमण कर जनसंवाद करने के निर्देश दिए। एसपी साहब के निर्देशन के पालन में सेंधवा शहर पुलिस ने एसपी साहब के मार्गदर्शन में सेंधवा शहर के मुख्य मार्गों पर पैदल भ्रमण कर त्रिवेणी चौक और मौलाना आजाद चौक पर जनसंवाद कर जनता की समस्याएं पूछी। इसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक समस्या आदि समस्याएं बताई गई है। समस्या को नोट कर उनका हल निकालने का जनता को आश्वासन दिया है। साथ ही टीआई राजेश यादव के द्वारा जनसंवाद के दौरान जनता को आज वर्तमान में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड जैसे जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड, फेसबुक आईडी हैक, गलत पोस्ट डालना, फर्जी बैंक मैनेजर बनकर ओटीपी नंबर प्राप्त करना जैसे साइबर अपराधों के बारे में लोगों को बताकर उनसे बचने के उपाय भी बताए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और सड़क एवं पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यालय सहित ब्लॉक में पुलिसकर्मियों ने पैदल मार्च किया और मुख्यालय पर भी एसीपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने मुख्य बाजार सहित संवेदनशील इलाकों में गश्त की है और पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर पैदल भ्रमण भी किया है। भ्रमण के दौरान शहर के 10 से अधिक कैफेटेरिया को चेक कर अनावश्यक लगे हुए पर्दों को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चलने वाली मोटरसाइकिल को चेक किया है। 10 से अधिक बिना नंबर की मोटरसाइकिलों को थाने पर भेजा और शहर में घूम रहे 15 से अधिक संदिग्धों को भी पृथक से थाने पर भेजा गया। आवागमन के रास्ते का दुकानदारों द्वारा जबरन किए गए आंशिक अतिक्रमण को मौके से हटाया है। दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि आमजन के रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग सराफा बाजार में कप्तान द्वारा व्यापारियों से चर्चा कर नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने को कहा है। उक्त पैदल भ्रमण पुलिस द्वारा आगे के दिनों में जारी रहेगा तथा नगरपालिका के साथ आम रास्ते पे हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बिना नंबर की अथवा तेज गति तेज ध्वनि वाले साइलेंसरों को लगाकर चलाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।